सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके साइंस के 200 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो पिछले दो पार्ट में अभी तक हम 100 क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। अगर पिछला आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट यानी कि 101 क्वेश्चन नंबर से 150 क्वेश्चन तक, जिसमें जो 101 से 117 तक क्वेश्चन है ये हमारे राजन के क्वेश्चन है और 117 के जो आगे क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन जो है हमारे पवन के क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको थंबनेल पे राजन और पवन दोनों का ही जो कवर पेज है वो देखने को मिला होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि परास्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो इनकी आवृत्ति जो है वो 20,000 हर्ट्ज से जो है वो अधिक होती है। हम साथ में ये भी जानते हैं कि ये परास्रव्य तरंगे होती क्या हैं। तो बात करें परास्रव्य तरंगों के बारे में, तो परास्रव्य जो शब्द है वो उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी जो आवृत्ति है वो इतनी अधिक होती है कि वो जो मनुष्य है उसके कानों को सुनाई नहीं देती है। साधारणतः जो मानव श्रवण शक्ति होती है वो हम आपको बता चुके हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है वो होती है, जिसे हम श्रव्य तरंगे जो है वो कहते हैं। तो इसीलिए जो 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उनको परास्रव्य तरंगे जो है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है कि अपश्रव्य जो तरंग है उसकी आवृत्ति बताइए। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे। जो परास्रव्य तरंगे हैं इनको हम इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स और जो अपश्रव्य तरंगे हैं इनको हम इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। 20,000 से जो नीचे की आवृत्ति है वो हमारी कहलाती हैं अपश्रव्य तरंगे और इस प्रकार की जो तरंगे हैं उनको बहुत बड़े आकार के स्रोतों से जो है उत्पन्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है कि किस प्रकार की तरंग जो है उसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जो है वो सुन सकते हैं। तो अभी हमने बताया आपको परास्रव्य तरंगों के बारे में कि जो परास्रव्य तरंगे होती हैं इनकी जो आवृत्ति होती है वो इतनी अधिक होती है कि जो मनुष्य हैं उसके कान जो है इसको नहीं सुन सकते। कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि जो है इसे सुन सकते हैं। और जो परास्रव्य तरंगे हैं इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊँची होती है, इसलिए इसमें जो ऊर्जा है वो भी जो है वो बहुत अधिक होती है। साथ ही जो इनकी तरंग दैर्ध्य है वो छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में भी जो है वो बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ जो परास्रव्य तरंग है इनके उपयोग से रिलेटेड भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुछ उपयोग भी जान लेते हैं। जैसे कि संकेत भेजने में परास्रव्य तरंगों का उपयोग होता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी उपयोग में आता है। इसके साथ साथ जो कारखाने होते हैं उनकी चिमनियों से कालिख हटाने में इसका यूज होता है, दूध के अंदर के जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में इसका यूज होता है, और इसके साथ साथ कीमती कपड़ों, वायुयान तथा जो घड़ियां हैं उनके पुर्जों को साफ करने में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग जरूर याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 105 है कि किस पदार्थ में जो तरंग है उसका संचरण होते समय पदार्थ के जो कण हैं वो किस प्रकार की गति करते हैं। तो ये जो है वो सरल आवर्त गति करते हैं। सरल आवर्त गति क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो भौतिकी यानी कि जो फिजिक्स है उसमें सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें जो वस्तु है जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा जो है सदा विस्थापन के विपरीत एवं जो परिमाण होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, उसी को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। एग्जांपल से अगर इसको समझे तो किसी स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति, या कह सकते हैं किसी सरल लोलक की गति, या कह सकते हैं किसी घर्षण रहित क्षैतिज तल पर किसी स्प्रिंग से बंधे द्रव्यमान की गति, ये सभी जो है हमारी सरल आवर्त गति के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा कि एक कंपन में चली गई जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है वो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है कि वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, तो ये जो है आयाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है कि एक सेकेंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं, तो ये आवृत्ति कहते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 109 है कि एक कंपन में लगा जो समय है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है वो आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ से जो आप इन चारों क्वेश्चन को देख रहे हैं 106, 7, 8 और 9, इन चारों को एकदम रट लीजिए, कहीं ना कहीं इनकी डेफिनेशन जो है पूछी ही जाती है।
तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल चारों की डेफिनेशन एक साथ लिखी एक कंपन में चली गई दूरी की बात करें तो उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। वस्तु में कंपन के अधिकतम जो विस्थापन होता है उसको आयाम कहते हैं, एक सेकंड में कंपन की संख्या जो है उसको आवृत्ति कहते हैं और एक कंपन में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो इन चारों डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल और ट्रिक के मिश्रण से जो है वो याद करते हैं, जिससे आपको समझ में भी आए और साथ में जो है वो याद भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि ये एक पेन जो है वो रखा है। अब कंपन इस पेन में हो रहा है तो क्या होगा, इस पेन में कंपन के कारण जो इसकी जो स्थिति है यानी कि ये एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। तो हमारा जो 107 प्रश्न है वो कह रहा है कि वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को, विस्थापन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप किसी चीज़ को भेज रहे हैं तो विस्थापन होता है। तो जैसे इस पेन में अगर कंपन हो रहा है तो ये क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। तो वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। यानी कि ये जो पेन है इसमें अगर विस्थापन हो के ये दूसरी जगह जाएगा तो हम कह सकते हैं उसको आयाम। बात करें आगे, तो ये जो पेन है अब एक कंपन में चली गई दूरी, अब कंपन हमने अभी बात की तो एक कंपन में चली गई जो दूरी है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गया उसमें जो दूरी है उसको जो है हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो बात करें अगले की, तो अभी हमने आपको बताया कि जो है पेन कंपन कर रहा है तो एक सेकेंड में जो ये पेन है वो कितना कंपन कर रहा है यानी कि कंपनों की संख्या जो है वो क्या कहलाती है, तो वो जो है आवृत्ति कहलाती है। और इसी प्रकार एक कंपन में लगे समय को, तो अभी हमने आपको बताया कि एक सेकंड में कंपन की जो संख्या उसको आवृत्ति कहते हैं और उसी कंपन में लगे जो समय होता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो एक पेन से जोड़कर जो है आप याद कर सकते हैं, अगर आप डेफिनेशन रटेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं, परंतु एक पेन को जो है आप इमेजिन करके जो है वो याद कर सकते हैं कि एक कंपन में चली गई जो दूरी है उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं, अधिकतम जो विस्थापन हो रहा है वो जो है आयाम कहलाता है, एक सेकंड में कंपन की जो संख्या है वो आवृत्ति कहलाती है और एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और इसके अलावा दोस्तों हमारा प्रयास आपको अगर पसंद थोड़ा भी आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें। अगला क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा कि किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो लेमडा है, वेग जो है वो वी है तथा आवर्तकाल जो है वो टी है, तो इसमें संबंध बताना। तो तरंग दैर्ध्य बराबर तरंग की चाल गुणे आवर्तकाल जो है हमारा फॉर्मूला होता है। तरंग दैर्ध्य जो है वो लेमडा हो जाएगी, तरंग की चाल जो है वो v हो जाएगी और आवर्तकाल जो है वो t हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर v इंटू टी जो है इन तीनों में संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111 जो है सेम 110 पर ही आधारित है, किसी तरंग के लिए उसकी चाल, तरंग दैर्ध्य एवं आवर्तकाल में संबंध बताइए। जैसे कि ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने तरंग दैर्ध्य बराबर तरंग की चाल गुणे आवर्तकाल देखा था, तो यहाँ पर तरंग की चाल अगर आपको निकालनी होगी तो क्या करेंगे आप, आवर्तकाल को तरंग दैर्ध्य के बटे में भेज देंगे, यानी कि तरंग की चाल बराबर तरंग दैर्ध्य बटे आवर्तकाल, यही जो है हमारा अगला देखिए पूछा भी है। चाल बराबर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य बटे आवर्तकाल, यानी कि वी बराबर लैम्डा अपॉन टी, वी बराबर जो है ये टी बटे में चला जाएगा तो लैम्डा अपॉन टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है कि आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया एक दोलन पूरा करने में लगा समय जो है वो आवर्तकाल कहते हैं। 113 क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे ये दो प्रकार की होती हैं। इसी 200 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने आपको बताया भी था दोनों के बारे में। अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो उसे हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगे जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या कह सकते हैं समांतर होती तो उसे हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है कि आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध बताइए, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, एक बटे आवर्तकाल, यही जो है वो दोनों में संबंध होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है कि अपश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगों में अंतर बताइए, तो अभी स्टार्टिंग में हमने बात की कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं उनको पराश्रव्य जो है वो तरंगे कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो तरंगे होती हैं उनको हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा कि किसी तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध बताइए, तो तरंग की आवृत्ति n होती है, चाल जो है वो v होती है तथा तरंग दैर्ध्य जो है वो लैम्डा होती है, तो इन तीनों में संबंध होता है, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, यानी कि v बराबर n इंटू लैम्डा जो है ये तीनों में संबंध होता है। ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो राजन के हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की बात कर रहे थे, तो टोटल उसमें 117 क्वेश्चन थे, ये जो है हमारा 117 क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। इस थर्ड पार्ट में टोटल हमें 50 क्वेश्चन देखने हैं, तो 17 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, 33 क्वेश्चन हम आगे और देखेंगे। तो इस 117 क्वेश्चन के बाद के जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे, यानी हम 200 इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, तो बाकी बचे जो क्वेश्चन है वो सारे हमारे पवन के क्वेश्चन है। तो 117 और 33 मिला के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 33 क्वेश्चन हम इस वीडियो में
बात करेंगे, और आगे के जो 50 क्वेश्चन है वो हम लास्ट और चौथे पार्ट में बात करेंगे। तो 33 क्वेश्चन हम और बात कर लेते हैं, जिससे हमारे इस पार्ट के जो है टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम पवन के सारे क्वेश्चंस। यहाँ से जो है हमारा सीरियल बदला हुआ है, तो आप सीरियल पे ध्यान ना दीजिएगा, केवल और केवल प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा कि विज्ञान की जननी है, तो क्या है? जिज्ञासा ही जो है वो विज्ञान की जननी है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार करना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि विज्ञान का क्या अर्थ है? तो विज्ञान शब्द दो शब्दों वी प्लस ज्ञान से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान। किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान व्यवस्थित विधि से जो है वो प्राप्त होता है, इसी को हम विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का समाधान जो है वो किस प्रकार किया जा सकता है? तो वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक पहले किसी समस्या का अनुमान लगाते हैं, फिर प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, अवलोकन व प्रेक्षण करते हैं, उसके बाद जांच विश्लेषण के द्वारा जो है वो निष्कर्ष निकालते हैं और उसे समाज को जो है वो लाभान्वित करते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन कुछ सरल लग रहे हो, क्योंकि ये चैप्टर वाइज है, तो फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। धीरे धीरे जो क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि कृषि भोजन यातायात तथा जनसंचय के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियां बताइए। तो कृषि के क्षेत्र में उन्नत प्रकार के हल, ट्रैक्टर, उन्नत बीज, कृत्रिम खादे, कीटनाशक दवाएं आदि हो जाएगा। भोजन बनाने के लिए साधन की में जैसे कि गैस चूल्हे, प्रेशर कुकर, इंडक्शन चूल्हा आदि हो जाएगा। यातायात के साधन में साइकिल, मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, बस, वायुयान, पानी के जहाज, मेट्रो ट्रेन आदि हो जाएगा। और जनसंचार के साधन में कंप्यूटर, फैक्स, टेलीफोन, पेजर, मोबाइल आदि हो जाएगा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि कुछ वैज्ञानिक साधनों के उपयोग एवं दुरुपयोग लिखिए। जैसे वैज्ञानिक साधन में चाकू की बात करें तो फल अथवा सब्जी काटने में इसका उपयोग होता है, दुरुपयोग में दूसरों की हानि पहुंचाने में होता है। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो विद्युत उत्पादन में उपयोग होता है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाने में जो है इसका दुरुपयोग होता है। मिट्टी का तेल की बात करें तो प्रकाश उत्पन्न करने में उपयोग होता है और आग लगाने में जो है वो दुरुपयोग होता है। पेट्रोल की बात करें तो वाहनों को चलाने में उपयोग होता है और आग लगाने में दुरुपयोग होता है। इसी प्रकार बंदूक की बात करें तो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए उपयोग होता है और जानलेवा हमले में जो है इसका दुरुपयोग होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारे देश के प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार हुआ है? तो हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन, हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन, बड़े बड़े जलपोत, छोटी बड़ी जो उत्पादक मशीनें हैं आदि बनाने में जो है वो किया जाता है प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसके अलावा लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपे, टैंक, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन तथा मनोरंजन के अन्य साधनों का निर्माण भी जो है स्वदेशी तकनीकों द्वारा हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि ईमेल क्या है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा है जो कि कंप्यूटर पर आधारित संचार की एक युक्ति है, और ईमेल से लगभग आप सभी परिचित भी होंगे। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों का अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का जो है वो प्रेषण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि इंटरनेट क्या है? तो यह कंप्यूटर की एक नवीनतम प्रणाली है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेट को जो है हम इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से विश्व के विभिन्न देशों से जो है वो संबंधित सूचनाएं एवं जो आंकड़े हैं वो बहुत कम समय में प्राप्त करके इन्हें संग्रह भी जो है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि इंडोस्कोप जो है वो क्या है? इंडोस्कोप की बात करें तो इस मशीन द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच की जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान जो है वो विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि फ्यूज से क्या अभिप्राय है? साधारण बल्ब एवं हीटर, फ्रिज में जो है कितने एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं? तो फ्यूज की बात करें तो ये जो है वो एक परिपथ का संरक्षात्मक यानी कि प्रोटेक्टिव अवयव होता है, जो कि एक निश्चित मात्रा में अधिक धारा बहने पर परिपथ में विद्युत का प्रवाह जो है वो रोक देता है। जैसे कि आपके घरों में आपको देखने को भी मिलता है कि जो बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है तो जो आपका फ्यूज है वो उड़ जाता है, आपने सुना भी होगा, तो फ्यूज जो होता है वो गल जाता है। तो यही लिखा है कि एक निश्चित मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ में विद्युत का जो प्रवाह है वो रोक देता है। साधारणतः हीटर जो है फ्रिज में 5 से 10 एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं। यही जो है हमारा क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन देखिए सन 2017 के पेपर में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि इसरो का योगदान किस कार्य में है?
तो बात करें इसरो की, तो भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा आंतरिक प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुप्रयोग का कार्य जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो द्वारा जो है वो किया जाता है। इसके अलावा बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से हमारे फिर से सीरियल चेंज है, तो आप सीरियल पर ध्यान मत दीजिएगा, इसमें जो है वो चैप्टर वाइज अलग अलग दे रखे हैं। तो यहाँ से जो है हमारा दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र के जो है वो क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और इसे जो है वो पास्कल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर टू है हमारा कि साइकिल पंप तथा फुटबॉल पंप में प्रमुख अंतर क्या है? तो साइकिल पंप में चमड़े का वॉशर वाल्व का कार्य करता है, जबकि जो फुटबॉल है उस पंप में नली में जो पड़ी गोली है वो वाल्व का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन नंबर तीन है हमारा कि जल पंप में कितने वाल्व होते हैं और क्यों? तो जल पंप में दो वाल्व होते हैं, ये जो वाल्व हैं वो वायु दाब के कारण खुलते हैं तथा बंद होते हैं तथा खींचेगा जो जल है उसको वापस नीचे नहीं जाने देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर फोर है कि ट्रक में चार की जगह छह टायरों का प्रयोग करने का क्या उपयोग होता है? तो ट्रक में चार की जगह छह टायरों का प्रयोग करने से पीछे के जो पहिए हैं उनका संपर्क क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है, जिससे उसके द्वारा सड़क के तल पर लगने वाला जो दाब है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा कि एल्यूमिनियम तथा लोहे के दो टुकड़ों का भार जो है वो 22 ग्राम तथा 80 ग्राम है। दोनों टुकड़ों का आयतन जो है वो समान है। एल्यूमिनियम के टुकड़ों को पानी में डुबोने से उसके भार में जो है वो 10 ग्राम की जो कमी है वो प्रतीत होती है। लोहे के टुकड़े को धागे से लटकाकर पानी में डुबोने से उस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है वो क्या होगा? उत्प्लावन बल हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं, जो पिछले जो हमने इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी बात की थी वहाँ पर, कि उत्प्लावन बल जो है किसी तरल चाहे वो द्रव हो या जो गैस हो उसमें आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। नाव है, जलयान है, गुब्बारे हैं, इन सभी जो कार्य होते हैं इसमें इसके लिए कह सकते हैं यहाँ पर उत्प्लावन बल लगता है। तो बात करें उत्तर की, तो चूंकि दोनों टुकड़ों का आयतन समान है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है दोनों टुकड़े का आयतन समान है, अतः लोहे के टुकड़े को पानी में डूबने पर भी 10 ग्राम भार के बराबर ही जो है वो उत्प्लावन बल लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि लोहे का जलयान पानी पर तैरता है जबकि लोहे की जो कील है वो डूब जाती है, इसका कारण बताइए। तो जलयान का जो भार होता है वो जलयान द्वारा हटाए गए पानी के भार से जो है वो कम होता है, इसीलिए जो जलयान होता है वो पानी पर तैरता रहता है। जबकि लोहे की कील की बात करें या इसके टुकड़े की बात करें तो इसका भार इसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक होता है, इसीलिए लोहे की कील पानी में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा कि आयाम से क्या अभिप्राय है? तो अभी हमने आपको इसकी डेफिनेशन बताई भी, ये 2017 के द्वितीय बार के पेपर में पूछा गया था। तो कंपन करने वाली किसी वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं, इसे जो है अक्षर ए द्वारा जो है वो व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आठ है कि क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है? ये क्वेश्चन हमारा 2018 में पूछा गया था। वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर गुब्बारा इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो वायु से हल्की होती है और वायु से हल्की होने के कारण ही जो गुब्बारा है ऊपर उड़ने लगता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहां से जो है हमारा जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक जो अंग है उनके कार्यों में विविधता वाला जो चैप्टर है वो शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा कि श्वसन क्रिया किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर टू है कि जंतुओं में श्वसन क्रिया क्या होती है? तो जंतुओं में श्वसन क्रिया की बात करें तो एक तरफ जंतु है, एक तरफ श्वसन अंग है। मछली की बात करें तो उसमें गलवड़ों द्वारा होता है। केचुआ जो है उनमें त्वचा द्वारा होता है। तिलचट्टा, मक्खी, तितली में जो है वो वायु नलिकाओं द्वारा होता है। पक्षी जो है उसमें वायु कोषों द्वारा होता है। बात करें अगर वायु कोषों की, तो पक्षियों के जो फेफड़े होते हैं उसमें पाई जाने वाली जो थैली होती है जिसमें हवा होने से इनका जो शरीर है वो हल्का हो जाता है, और हवा भरी होने के कारण जो इनका शरीर हल्का बना रहता है जिससे जो है ये आसानी से जो वायु है उसमें उड़ पाते हैं। अगला है हमारा स्तनधारी जंतु, जिनमें जो श्वसन है वो फेफड़ों द्वारा होता है, इसमें ही जो है वो मानव जगत भी आता है। मेंढक की बात करें तो इसमें जल में रहते हुए त्वचा द्वारा होता है, और थल यानी कि स्थल पर रहते हुए जो है वो फेफड़ों द्वारा होता है।
बात करें अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि उत्सर्जन का कार्य बताइए। तो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों का विघटन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप अनेक हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बनते रहते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही जो है वो उत्सर्जन कहलाता है। इसके साथ साथ ये जो कार्य है वो जिन अंगों द्वारा किया जाता है उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि सांप, छिपकली तथा मेंढक द्वारा जीभ से किए जाने वाले कार्य बताइए। तो सांप, छिपकली आदि अपने जीभ से सूंघने, छूने तथा सुनने का कार्य करते हैं, जबकि जो मेंढक की जीभ है वो शिकार पकड़ने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, इसके भाग लिखिए। तो तंत्रिका तंत्र की बात करें तो शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण करने वाले संस्थान को जो है वो तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। बात करें इसके बारे में तो मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु तथा तंत्रिका सभी एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं और इन कोशिकाओं को ही जो है हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। ये एक छोर से उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं और दूसरे छोर पर जो है वो संदेशों को भेजती हैं। तो यहाँ से इसके कार्यों के बारे में भी आपको जानकारी हो रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि रीढ़ रज्जु व इसके कार्य बताइए। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो आगे चलकर बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है, इसी को जो है हम रीढ़ रज्जू कहते हैं। ये शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। रीढ़ रज्जू से दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं जोड़े में निकलती हैं, जो रीढ़ तंत्रिकाएं जो है वो कहलाती हैं। और ये जो रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं, इनके द्वारा समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का जो है वो नियंत्रण भी होता है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं वो भी जान लेते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं होती हैं जो स्वतः ही होती रहती हैं, जिस पर जो है हमारा नियंत्रण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो 2 तंत्रिकाएं, 1 कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं ये मुख्य रूप से संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं और ये तंत्रिकाएं जो है वो ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं तथा मस्तिष्क तक जो है वो सूचना पहुँचाती हैं। और बात करें रीढ़ तंत्रिकाओं की, तो ये तंत्रिकाएं शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। ये जो तंत्रिकाएं हैं इनका जाल आंतरिक अंग तथा त्वचा में जो है वो फैला रहता है। तो कहाँ कहाँ विस्तार होता ये भी साथ में आपको जरूर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि प्रतिवर्ती क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा भी गया था। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, सबसे पहले तो यही जान ले। तो किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क में हस्तक्षेप के बिना अचानक जो अनुक्रिया होती है उसी को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं वो स्वतः होने वाली क्रियाएं होती हैं, जो कि जीव की इच्छा के बिना ही होती हैं। हमारा उदाहरण पूछा है तो जैसे आंखों का झपकना हो गया, खाना देखकर मुंह में लार का होना, ये भी जो है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा कुछ और उदाहरण जैसे कि किसी गर्म वस्तु को छूने से जलने पर तुरंत हाथ हटा लेना, या कह सकते हैं सुई चुभोने पर हाथ का हटा लेना, ये सभी जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण आते हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया के अलावा ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया भी आपको पता होनी चाहिए। वे सभी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है वह ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे कि बोलना, चलना, लिखना अनैच्छिक क्रियाएं, जिन पर जो है हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि हृदय का धड़कना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं ऊंट को कहते हैं, ये 2018 के पेपर में पूछा भी गया था। यहां से जो है हमारा नया चैप्टर चालू होता है जो है हमारा सूक्ष्म जीवों की दुनिया। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि अणु जीवों के कितने वर्ग हैं। तो सभी अणु जीव एक कोशिकीय होते हैं, भोजन व अन्य पदार्थों पर निर्भर रहने तथा उन्हें लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जो अणु जीव है उनको अलग अलग जो है वो कैटेगराइज किया गया है टोटल 4 वर्गों में। तो ये चारों वर्ग जो है आपको जरूर याद होने चाहिए। पहला होता है हमारा मृतोपजीवी जीवाणु, दूसरा होता है परजीवी जीवाणु, तीसरा होता है सहजीवी जीवाणु और चौथा होता है आत्मपोषी जीवाणु। इन चारों के बारे में हम अभी आगे बात करें क्योंकि क्वेश्चन भी हमारे इसी सीरियल से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि मृतोपजीवी जीवाणु किसे कहते हैं। तो मृतोपजीवी जीवाणु की बात करें तो वे सभी अणुजीव जो मृत पदार्थों पर उगते हैं तथा उनसे ही वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। बस ये 2 लाइनें याद रखनी है आपको कि मृत पदार्थों पर उगते हैं तथा उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हीं को जो है मृतोपजीवी जीवाणु कहते हैं।
और ये जो अणुजीव है वो जंतु तथा वनस्पति अवशेषों, कूड़ा करकट आदि पर जो है वो उत्पन्न होते हैं। ये तो हो गई बात मृतोपजीवी की। अगला है हमारा परजीवी जीवाणु, किसे कहते हैं? तो वे अणुजीव जो अपने पोषण के लिए किसी जंतु, पौधे अथवा मनुष्य पर पूरी तरह निर्भर करते हैं, उन्हें जो है वो परजीवी जीवाणु कहते हैं। बस आपको यहाँ पर क्या लाइन याद रखनी है, किसी जंतु, पौधे अथवा मनुष्य पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। बात करें आगे, तो ये जीवाणु जिस पर निर्भर रहते हैं उसे जो है हम पोषिता कहते हैं, और ये जीवाणु जो है अपनी पोषिता को सदैव हानि पहुँचाते हैं, क्योंकि भोजन लेने के साथ साथ ये पोषिता में कुछ विष या हानिकारक पदार्थ भी जो है वो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम जीवाणु की बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए भी है जिसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है, जिसका उत्तर हम फोर्थ पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट में जो है वो देंगे। क्वेश्चन हमारा कि जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले दो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन हमारा सन 2018 के पेपर में पूछा गया था BTC DLED थर्ड सेमेस्टर के, तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है, जिसका उत्तर जो है वो हम पार्ट फोर यानी कि इसी वीडियो के लास्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि सहजीवी जीवाणु किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के अणुजीव भी अपनी पोषिता पर निर्भर करते हैं। पोषिता हमने अभी आपको बताया कि ये जीवाणु जिस पर निर्भर करते हैं उसी को हम पोषिता कहते हैं। इस पर भी ये पोषिता को हानि नहीं पहुंचाते हैं बल्कि उनके लिए सहायक सिद्ध होते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया व खमीर जो है इस प्रकार का गुण रखते हैं। बात करते हैं इस वीडियो का अगला और लास्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 5 की आत्मजीवी जीवाणु किसे कहते हैं? तो वह अणुजीव जो अपने आप अपना भोजन तैयार कर लेते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, इन्हें जो है हम आत्मजीवी जीवाणु कहते हैं। तो इसी के साथ टोटल 50 क्वेश्चन हमारे इस पार्ट के जो है वो समाप्त होते हैं। अगले यानी कि चौथे पार्ट में हम बाकी बचे 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसको मिलाकर जो है हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसे कमेंट या अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।